स्कॉलर चेन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ईच कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम और वाइस वर्सा इन अ स्ट्रेट लाइन एंड नो स्टेप शुड बी ओवरलुक ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। मीन्स कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉई है एफ और उससे बात करना है ए से, तो वो डायरेक्टली जाकर ए से बात नहीं कर सकता। फर्स्ट यू हैव टू कम्युनिकेट विद ई, देन डी, सी, बी एंड लास्टली ए। उसी तरह अगर एफ को ओ से बात करना है तो सेम प्रोसेस, ये पहले ए तक जाएगा, फिर ए से एम, एन, देन ओ। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्सेप्शंस के बारे में। एक्सेप्शंस टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कॉलर चेन, जिसे हम गैंगप्लैंक के नाम से भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सेप्शन, अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैन बी एस्टैब्लिश बिटवीन द एम्प्लॉयज ऑफ द इक्वल रैंक इन केस ऑफ एमरजेंसी टू अवॉइड डिले इन कम्युनिकेशन। मीन्स कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में दो एम्प्लॉई हैं जो कि सेम इक्वल रैंक पे ही है, तो वो टाइम को बचाने के लिए, डिले होने से बचाने के लिए एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। मीन्स कि अगर ई को पी से कम्युनिकेट करना है तो उसे नहीं ज़रूरत कि वो पहले ए तक जाए फिर पी पे आए, वो डायरेक्टली जाके पी से बात कर सकता है। उसी तरह डी ओ से बात कर सकता है, सी एन से बात कर सकता है, बी एम से बात कर सकता है, एफ क्यू से डायरेक्टली बात कर सकता है। सो बेसिकली दिस इज स्कॉलर चेन।